हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप? प्रधानमंत्री जी ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई थी। लग रहा था कि हमने इस पे कंट्रोल कर लिया है। जब से ये हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो किया है, इससे स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। ना ही वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बदसलूकी कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ के साथ, पुलिस के साथ। बाकी और भी काफ़ी वीडियोस मिल रही है, फ्रूट वाला मुस्लिम भाई थूक लगा के फ्रूट बेच रहा है, नोटों पे थूक लगाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ज़रा उनको भी समझना चाहिए। सरकार जो है बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी धर्म का है, सरकार बिना भेदभाव से काम कर रही है। तो हमारे मुस्लिम भाई भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। अस्पतालों में वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या चाहते हैं आखिरकार। ये जो नया संकट वो ले आए हैं, बहुत परेशानी की बात है। हमने इस पे कंट्रोल कर दिया था, इतने पेशेंट उन्होंने आज खड़े कर दिए हैं। ये जो मुस्लिम भाइयों की करतूत है, ये देश को और पीछे ले जाएगी। कुछ सोचना चाहिए इनको देश के बारे में। और सरकारें बिना भेदभाव के काम कर रही है, पूरी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, तो ये क्यों, ये सवाल है, ये क्यों कॉपरेट नहीं कर पा रहे? और भी रास्ते हैं नहीं तो सरकार के पास? कॉपरेट कीजिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कीजिए। ठीक है, बस यही कहना था आज। कॉपरेट नहीं करोगे तो जल्दी ही। ओके, ठीक है, बाय बाय।